हेलो माय डियर फैंस, एक बार फिर आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लखनऊ मेट्रो के पेपर 12 और 13 तारीख को सक्सेसफुली फिनिश हो चुके हैं एंड आई होप कि आप सभी के पेपर काफ़ी अच्छे हुए होंगे। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो पेपर आपने दिया है, जैसे कि CRA, मेंटेनर और जो जूनियर इंजीनियर का पेपर है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो उसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और मैं आपको बता दूं कि जो लखनऊ मेट्रो का स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर का पेपर है, उसका रिजल्ट आ चुका है एंड उसकी ऑफिशियल कट ऑफ भी आ चुकी है। तो हम उसके कट ऑफ को लेके एंड जो 2015 का जो लखनऊ मेट्रो का पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ को लेके हम 2018 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो किन बातों पे निर्भर करती है। तो सबसे पहला है कि कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी एंड कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ने अप्लाई किया था उस पोस्ट के लिए और जो क्वेश्चन का लेवल था वो क्या था। तो जो इस बार की जो वैकेंसी थी वो करीब 386 थी एंड 2015 की जो वैकेंसी थी वो 254 थी। तो इस बार की जो वैकेंसी थी वो पिछले बार की वैकेंसी से डेफिनेटली ज़्यादा थी और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ने जो अप्लाई किया था वो भी पिछले बार के स्टूडेंट से ज़्यादा थे एंड जो लेवल ऑफ़ क्वेश्चन था वो अलग अलग क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अलग अलग लेवल था। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि लखनऊ मेट्रो का जो 2018 के SCTO का कट ऑफ आया है वो किस तरह से आया है, क्योंकि हम इसी को लेके और 2015 का जो कट ऑफ था उसको ही कंपेयर करके हम 2018 का कट ऑफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को कंपेयर करते हैं। तो 2015 में जो वैकेंसी थी वो 97 थी एंड 2018 में नंबर ऑफ़ वैकेंसी वो 101 थी। तो डेफिनेटली इस बार की वैकेंसी ज़्यादा है। अब हम कंपेयर करते हैं कि किस तरह से जो कट ऑफ आई है वो बनी है। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि 2015 एंड 2018 में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थे वो दोनों ही ईयर में 140 क्वेश्चन थे एंड जो अनडिजर्व की जो 2015 में कट ऑफ थी वो 96.76 थी एंड जो इस बार की जो अनडिजर्व की कट ऑफ है वो 84.72 है। तो डेफिनेटली इस बार की कट ऑफ पिछली बार की कट ऑफ से गिरी है एंड OBC की भी गिरी है, SC ST सबकी गिरी है। तो इसी तरह हम कंपेयर करके आगे जितनी भी पोस्ट हैं उन सब की एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम CRA के पोस्ट की। तो 2015 में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी वो 26 थी एंड 2018 में जो है वो 49 है। तो डेफिनेटली इस बार की भी CRA की ज़्यादा है। तो जो भी इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है उसको मैंने यहाँ पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो जो 2015 में जो अनरिजर्व की कट ऑफ थी वो 99.37 थी, बट जो इस बार की कट ऑफ हो सकता है 87.33 से 90 के बीच में रहे, क्योंकि इस बार की नंबर ऑफ़ वैकेंसी 49 है एंड पिछली बार की वैकेंसी 26 थी। तो इस बार की वैकेंसी पिछली बार की वैकेंसी से ज़्यादा है, तो हो सकता है इस बार भी कट ऑफ इसमें गिरे। एंड उसी तरह OBC SC सबके लिए मैंने अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग इसको कैलकुलेट करके आपके लिए रखा है, तो आप इसको यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। हो सकता है जो फाइनल कट ऑफ आए वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से थोड़ा डिफरेंट हो, बट जो ओवरऑल जो भी कंपेयर करके और जो कैलकुलेट करके जो भी कट ऑफ निकल सकती थी उसको मैंने यहाँ पे नोट किया है। तो इसको आप फाइनल कट ऑफ ही ना मानिएगा, बट जहाँ तक है इसी के आसपास ही जो फाइनल कट ऑफ होगी वो होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल ट्रेड के कट ऑफ के बारे में। तो जो 2018 में नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी वो 16 थी एंड 2018 में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी वो 31 थी। तो इसकी भी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो ज़्यादा है, तो जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो नीचे गिर सकती है। जैसे 2015 में जो अनरिजर्व की जो कट ऑफ थी वो 109.37 थी, तो हो सकता है जो इस बार की जो कट ऑफ हो वो 97.33 से 102 के बीच में रहे, क्योंकि इस बार की कट ऑफ इस बार की जो वैकेंसी है वो लगभग 2 गुनी है पिछली बार के। तो डेफिनेटली इस बार की जो कट ऑफ होगी वो नीचे गिरेगी। एंड बाकी कैटेगरीज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सबको कंपेयर करके लिखा हुआ है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसके बाद बात करते हैं हम JEE इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ की। तो 2015 में 38 पोस्ट थी एंड 2018 में 35 है। तो इस बार की जो वैकेंसी है वो कम है पिछली बार के, तो हो सकता है इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाए। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ कितनी हो सकती है आइए जानते हैं। तो 2015 में जो इसकी कट ऑफ थी अनरिजर्व की वो 98.08 थी एंड जो इस बार की हो सकता है कट ऑफ बढ़ के 104.12 से 108 तक हो सकती है, या फिर कट ऑफ नीचे भी आ सकती है, क्योंकि इसके अलावा भी जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और लेवल ऑफ क्वेश्चन के ऊपर भी निर्भर करेगा। तो बट ओवरऑल जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी के थ्रू अगर कंपेयर किया जाए तो जो इसकी जो कट ऑफ आ रही है वो इतना ही बन रही है। ओके, तो और कैटेगरीज के लिए भी मैंने यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे। फिर बात करेंगे हम जूनियर इंजीनियर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के कट ऑफ के बारे में। तो 2015 में नंबर ऑफ़ वैकेंसी 16 थी एंड 2018 में जो वैकेंसी थी वो 27 है। तो इसकी भी वैकेंसी इस बार की ज़्यादा है, तो इसकी कट ऑफ डेफिनेटली इसकी नीचे गिरेगी।
तो कितनी नीचे गिर सकती है ये जानते हैं। जैसे अनरिजर्व 2015 में थी 97.75, तो इस बार हो सकती है 85 से 90 के बीच में इसकी कट ऑफ रहे, एंड ओबीसी की 81.38 से 86 तक रहे, एंड एससी की 78.41 से 83 तक रहे। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं मेंटेनर सिविल के कट ऑफ के बारे में। तो जो पिछली बार की वैकेंसी थी वो 14 थी, एंड इस बार की वैकेंसी 17 है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो कट ऑफ है वो भी लगभग आसपास ही रहेगी। तो कितना रहेगी आइए जानते हैं। जैसे कि अनरिजर्व की है 55.74, एंड इस बार की हो सकता है 48.74 से 50 तक रहे, एंड ओबीसी एससी इन सबकी कैटेगरी का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। एंड उसके बाद मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का, तो मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का 2015 में नंबर ऑफ वैकेंसी 29 थी, एंड इस बार की 65 है, तो काफ़ी डिफरेंस है। तो इस बार की जो कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे आ सकती है। तो कितनी आ सकती है, जैसे अनरिजर्व की 57.77 थी 2015 में, एंड अनरिजर्व की इस बार की जो हो सकती है 47.72 से 50 तक रहे, या इससे नीचे भी आ सकती है, या फिर थोड़ा और नीचे आ सकती है, क्योंकि इसकी जो वैकेंसी वो 65 है इस बार, एंड पिछली बार की 29 थी। तो एज ए कंपेयर नंबर ऑफ वैकेंसी के थ्रू हम कंपेयर कर रहे हैं, बाकी और भी डिफरेंस हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो इसको फाइनल आप एकदम कट ऑफ मान के ना चलिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अब हम बात करते हैं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के मेंटेनर की। तो पिछली बार जो 2015 में था वो 12 थी वैकेंसी, एंड 2018 में जो है वो 28 वैकेंसी है, एंड इसकी जो कट ऑफ होगी वो कितनी होगी, वो अनरिजर्व की पिछली बार से 61.38, एंड इस बार की हो सकता है 49.34 से 55 के बीच पर आए, ओके। क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो काफ़ी डिफरेंस है, तो हो सकता है यही फाइनल कट ऑफ हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की लखनऊ मेट्रो के CRA जूनियर इंजीनियर एंड मेंटेनर्स के कट ऑफ मार्क्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी कमेंट हो, सुझाव हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहने का और मेरे चैनल को सपोर्ट करने का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।